हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पोटैटो से यानी आलू से एक पैक शेयर कर रही हूँ, जिसे यूज करने के बाद आपको ब्लीच से भी ज़्यादा गोरा निखरा चेहरा आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें सूट करेगा या नहीं, पहली बार अगर आप इस पैक को यूज कर रहे हैं तो आप इसे बनाकर आप चेक कर सकते हैं, यानी अपने ईयर के पीछे आप लगाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोटैटो होता है सभी स्किन को नहीं सूट करता है। तो यहाँ पर हमने एक पोटैटो लिया है फ्रेंड्स, उसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था और बिना छिलका छीले ही उसको हमने इस तरह पील कर लिया था। उसके रस को मैं निकाल रही हूँ, उसका जो प्योर जूस होता है उसे निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है पोटैटो के जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ये आपकी स्किन के डेड स्किन या जमी हुई मैल को भी निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ हनी, यानी शहद जो होता है नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, आपके चेहरे पर किल मुहासे दाने आने से रोकता है। और इसमें मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून के बराबर कर्ड का यूज की हूँ, तो कर्ड भी बहुत अच्छा होता है, ये भी आपकी स्किन के डेड स्किन को रिमूव करेगा, दाग धब्बों को रिमूव करेगा। और यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच यूज की हूँ बेसन। बेसन तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही टाइम से यूज किया जा रहा है होम रेमेडी में, ये जो है एक क्लींजर का काम करता है, आपके चेहरे को एकदम डीपली से अच्छे से क्लीन करता है और साथ ही आपके चेहरे पर निखार लाने का काम करता है। ये बेसन जो होता है चने का होता है, जो चने का बेसन होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। तो इस तरह जो है हम पोटैटो के जूस में इस तरह हम ये पैक बनाएंगे और इसे एक ही बार लगाने के बाद आपका चेहरा बहुत ही फेयर दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ब्लीच किया हो, ब्लीच से भी ज़्यादा आपको गोरा निखरा हुआ चेहरा दिखाई देगा। और 100% नेचुरल है फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ये पहली बार पैक को यूज कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने ईयर के पास ये थोड़ा सा लगा कर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि चेक करेंगे तो आपको अगर कोई खुजली रैसेज नहीं हो रहा है तो आप चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो आपको ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो आपको इस पैक को लगाने के बाद 10 मिनट बाद आप अपने हाथों को हथेलियों को गीला कर लेंगे और उसके बाद इस पैक को हल्के हल्के हाथों से कम 2 से 3 मिनट मसाज कर लेंगे। इससे जो है आपकी स्किन की जो डेड स्किन है आपकी रिमूव हो जाएंगी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप इसे जो है 2 दिन के गैप के बाद इसे यूज कर सकते हैं, आपके दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएंगे, झुर्रियाँ भी आपकी, आपका चेहरा काफ़ी टाइट लगेगा। और उसके बाद चेहरे को वाश कर लेना है। वाश करने के बाद आपको चेहरे को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि समर सीज़न है फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो कि मॉइस्चराइज़र लगाते ही नहीं है ड्राई स्किन में समर सीज़न पे, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना चाहिए। आपको रोज़ वाटर या टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम या जेल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने मॉइस्चराइज़र जेल को नहीं दिखाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।